वाह बहुत धुनिया दे। अरे पापा ओहो इमान धुनिया साउस में डिटेल ड्राइंग डिटेल स्कल्पचर पावले गुलो दे बहुत बेसि धुनिया आको नमस्ते भैया दिस इज टू क्रेजी दिस इज टू क्रेजी बहुत बेसि धुनिया मैं तेनक देखा ना दे सोना के डिटेल बना से और तो इमान फिगारेटिव स्कल्पचर अच्छा इतने यू लेयर आसे मन बेलेग बेलेग लेयर मन इफाले अहा इफाले अहा ये दिस इज टू क्रेजी आम आहू किंतु अहार पास केनेकुआ लागिले एक्सप्लेन नहीं एक्सप्लेन करिब नोवारिम एतिया बहुत बेसि धुनिया लाइमस्टोन दि धुनिया कोई कार्विंग करा ये सब लाइमस्टोन दि बनवा सलिड लाइमस्टोन दि कार्विंग कर बनवा ये सौ भल लगे ओ सुपर नाइस बहुत बेसि धुनिया ऊलालू इतना पल्लवी फटोग्राफ्स लो लगे आम मीरा टेम्पल चाउ मीरा टेम्पल जस्ट अपना जैन टेम्पल काखते ये 500 साल पुराना विष्णु का बड़ा मंदिर था ना मूर्ति विष्णु के इनसाइड राधा खस बन रहा हम श्याम ने चेंज किया वो ब्लैक में गरुड़ का मूर्ति लगा विष्णु का वाहन होता है ना गरुड़ हाँ जी हाँ जी ये सब मूर्ति भी कम मिलता है रिद्धि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कुछ फतेह सिंह ने रेनोवेट में लगाया हाँ तो पहले मीरा टेम्पल देख लीजिए फिर ये देखेंगे फिर आगे ठीक है
असली मूर्ति थी ना मीरा भाई अपने से, ये मीरा टेम्पल बहन जी जहाँ कृष्ण की भक्ति गई। हाँ भक्ति में इतना शक्ति था ना, विश्व अमृत हुआ, सांप फूल बन गया। फिर मीरा को परेशान किया, मूर्ति लेके गुजरात में जाके भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा दी। ये पीछे की साइड पे मीरा भाई का गुरु का नाम सुना क्या, भक्त रविदास जो था। हाँ। उसका फुटप्रिंट का निशान है, ऊपर आर्किटेक्ट बनाया, वन हेड फाइव बॉडी एक सीर। अच्छा, ऊपर जाके देखे, यहाँ तक जाके देख रहे हैं, वो तो जूता बनाने का ही काम करता था रविदास। हाँ, वो देखो ऊपर, वो एक आर्किटेक्ट देख रहे, वन हेड फाइव बॉडी एक सीर पांच। ओरिजिनल होगा ना, विष्णु का मान होता ना, गरुड़ का मूर्ति। लगभग कितने साल पुराना होगा ये? 500 साल अलग, जो ओरिजिनल है बनता गया चलता गया, फिर तीन टाइम हमले में टूट। बताइए कितने साल लगा उसको बनाने में? 10 साल बनने में लगा, 90 लाख का खर्चा है। जो 9 मंजिल है इसका, 122 मंजिल है, 157 सीढ़ी है। अच्छा, तो बनावट इसका विजिट करेंगे, ब्रॉड नेरोन ब्रॉड टावर का बनावट। हाँ जी, हिंदू आर्किटेक्चर इससे पुराना एक टावर और है। हाँ, बनाया 12th सेंचुरी में। हाँ, इसी की नकल को लेके 15th सेंचुरी में। अच्छा, किसके नाम पे ये? मालवा था ना, सुल्तान महमूद। नहीं नहीं, ये किसके नाम पे रखा गया है? विजय का प्रतीक विजय स्तंभ, ये राजस्थान का मोनोग्राम भी है। नीचे चलते हैं, शिव टेम्पल है 3 फिगर, उसके बाद वो वाटर टैंक जहाँ अंडरग्राउंड से। ओहो, टिकलू खेलिया से। अच्छा, सुंदर था उसका भतीजा गोरा बादल। आई पहले वो वाटर टैंक दिखाते थे, जो अंडरग्राउंड से बंद किया था। हाँ जी। अच्छा, टैंक में ना करके अंडरग्राउंड से जाते थे। अच्छा, अंदर अंडरग्राउंड से आते थे नहाने के लिए, अंडरग्राउंड निकल जाते थे? अंडरग्राउंड से होती थी, पर्दा था ना राजपूत। हाँ जी, नीचे आते थे, नीचे जाते थे, समाधि स्वर। पापा बच के रहना। ये देखो सर, वो पुराना पैलेस से अंडरग्राउंड से आती थी। ओ अच्छा, वो छत के नीचे पानी भर गया ना, खंबा लग रहा है। हाँ जी, ये अंदर ग्रुप के गाय के नीचे पानी चलता है, इसलिए टैंक का नाम रखा गौमुखी, जिसमें पानी चलता है। चला का फोटो ले लीजिए, टेंपल दर्शन कर लीजिए, प्लान चलिए। मुख वाला मूर्ति है, वन टू थ्री, जिससे टेम्पल का भी 3 एंट्रेंस है। अच्छा, यहाँ पे 3 एंट्रेंस है। ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में एक ही है। अच्छा, पुष्कर में। हाँ, हम गए थे वहाँ पे, ब्रह्मा का एक ही मंदिर। हम गए थे। हाँ, 3 फिगर ब्रह्मा विष्णु में। अच्छा, शिव जी को इतनी सुंदर रानी जिसका पानी दिखता है। हाँ, बहुत बेसि ऊख। हाँ
स्लैब लगाई देवानो पूरा काम हो गया ये वर्टिकल ना ये पा हुलाई स्विच या नेक्स्ट कौन सा ले रहे हो ये वाला और सर इसी बुक्स भी है कौन सा बुक है फोर्ड का अच्छा ये क्या पद्मिनी का रहने का समर पैलेस था एसी नहीं था चारों तरफ ठंडा नहीं हाँ इसमें एकदम खेत किया पर्दा खोलने से अलाउड ही फिर भी वो केसर ओह अच्छा हाँ जी हाँ जी ये पद्मापति महल ये जेल टेंपल दिगंबर का टावर है अच्छा एसी नहीं था ना उस जमाने में पर्दा सिस्टम होने से जो पानी भरा हुआ नीचे जो कई हुई जम रहा है अच्छा वो सीधी पद्मिनी को बिठाओ किसी दासी को उधर बिठाया अच्छा और अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ खड़ा करके अच्छा उधर से देख लिया कैसे यहाँ एसी ना चले तो हेई ताते पद्मिनी थोड़ा गई मारे आसे पद्मिनी तो हे सराउंडिंग पानी आसे रूम तो ठंडा हो थका आसे छे में अच्छा वॉल भी तो उधर ही भी था ना पूरा बाहर है अच्छा अच्छा कच्चा रास्ता यहाँ जोबाक अपना लगे देखी से यू सैडते अपना मेन गेट आसे आगते अलाउद्दीन खिलजिए यू गेटेद रतन राजा रतन सिंह घर आसे और तीन रतन राजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजीक आगबाई थबले जाते अलाउद्दीन खिलजिए रतन सिंह बंदी बनाए लैसे पद्मिनी रानी पद्मिनी कारण आगत हेतु मेन गेट आसे तो इतिया तो कोनो अहा जोवा नकरे तो इतिया आरो इतु रिनोवेटेड नकरिले रिकन्स्ट्रक्शन नकरिले हेबिलक एनकुआ यू मेन गेट कौन इफाले गई देखा रो बोला बोला किमान स्टेप और स्टेप बाय स्टेप हजार हजार स्टेप चलो लालू यार पर बोला क्या से सॉन्ग प्रोटेक्टेड मोमेंट वाह बहुत पुराना कैनन
टपखाना बिल्डिंग टिकलु टिकलु पूरा डांगोर 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 इतु बहुत टिकलु हे रे टपका की बोली कय बोटु 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 केनन 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 आमी एकिया उलाइसु पोर्टु बहुत डांगोर होय 17 किलोमीटर एरियार भितरर आसे पोर्टु खोजकारी आहिबो नवारे बहुत बेसि टाइम लागि जाबो इफाले पय एटा एटा प्लेस पय एटा प्लेस पय दुसरा प्लेस तेनुका आमी चित्तरगढ़ रेलवे स्टेशन पर ऑटो लय आहिलु बेस्ट ऑप्शन ऑटो 500 लले आरो तापस गाइड ललु गाइडे बुझाई कले भाल कय आरो बहुत हुरु हुरु बुस्तु आसले बट मन पॉसिबल नहय त माने सुआ गोटे बुस्तु बला इमान डांगोर एरिया इति आमी दुपुर जाऊ